आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन रेमेडीज लेकर आई हूँ, जिससे आपके आंखों के नीचे जो भी डार्क सर्कल्स है, फाइन लाइंस है, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। और ये जितना इफेक्टिव है उतना ही उसे बनाना इजी है। कैसे बनाना है चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब इस गजब के रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए खीरा। कुकुम्बर हम जैसे कि सभी जानते हैं बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारी आंखों के लिए, और ये पिगमेंटेशन, ये आंखों के नीचे से जो भी डार्क सर्कल्स होते हैं, पफिनेस होती है, उसको ये दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो हमें ये खीरा लेना है, अच्छी तरीके से ग्रेट कर लेंगे ताकि हम इसका जो भी जूस है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाए। स्ट्रेनर की हेल्प से इसे स्ट्रेन आउट कर लूंगी। ते हैं आधे खीरे से मुझे इतना जूस निकल गया है, इतना हमारे जो भी, अगर आप थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीस भी आपको चल जाएगा, पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि मैं इसको स्टोर करके रख सकूँ और जब भी मुझे यूज़ करना है मैं आराम से यूज़ कर सकूँ। जूस में हम डालेंगे विटामिन ई कैप्सूल, ये 400 mg की है, तो मैं इसमें सिर्फ एक कैप्सूल डालूँगी। ई के बारे में तो हम सभी जानते हैं कितने ज़्यादा यूजेस हम विटामिन ई के करते हैं, तो उसके बारे में तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बाद में हम लेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपको कोशिश करनी है कि आप फ्रेश वाला लें, क्योंकि मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं मार्केट वाला यूज़ कर रही हूँ, वरना आपके पास अगर फ्रेश वाला है तो वो बेस्ट है इसके लिए। मैंने यहाँ पर 1 teaspoon के करीब एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल पावर हाउस है, जिसमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्लांट बेस्ड कंपाउंड होते हैं, जिसमें विटामिन ए, सी, ई और बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और इसमें कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और भी बहुत सारे इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। डेली बेसिस पे भी अगर आप यूज़ कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। एलोवेरा जेल, मैं प्लांट बेस्ड की बात कर रही हूँ इधर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एलोवेरा जेल यूज़ करना चाहिए। सी ये काफ़ी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। है हमारे सेकेंड अंडर आई पैक के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, और साथ साथ जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना मत भूलिएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कैरेट्स, सेकेंड इंग्रेडिएंट है पोटैटो, अपनी आईज के लिए, अपने फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे बेनिफिशियल होता है। पोटैटो में भी ब्लीचिंग एजेंट होता है, जिससे हमारा जो भी डार्क सर्कल्स होते हैं या फिर पिंपल मार्क्स जो भी है उस इवन आउट करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, और हम इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। करने के बाद में आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है। अब जल्दी से हम इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी, मैंने इसका अच्छी तरीके से जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है आलमंड ऑयल। 1 teaspoon के करीब मैं यहाँ पर आलमंड ऑयल ले रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारे दोनों जूस बिल्कुल रेडी हैं आई पैक्स, तो अब हमें इसे लगाना कैसे है वो भी देख लेते हैं। घर में जैसे कि हम सभी के घर में कॉटन पैड्स तो अवेलेबल होते ही हैं, उसे हमें ले लेना है, इसमें डिप करके इसी के थ्रू हम हमारे आंखों पर लगाएंगे। पर एक ट्रिक आजमाती हूँ जो कि मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ इसे, तो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंटली एक ही कंटेनर में आपके सारे आई पैक्स एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं।
कैन सी मेरे पास ये प्लास्टिक शीट है, ये थोड़ी थिक है साइज में, वही आपको यूज करना है। उसके बाद में इसके छोटे छोटे राउंड सर्कल्स काट लिए हैं मैंने, ताकि मैं इसे यूज करके अपने आईपैड्स को सेपरेट रख सकूं। हम इसी में हमारे दोनों अलग अलग आईपैड्स एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं। ये जो प्लास्टिक हमने काटी है उसे सबसे पहले नीचे रखना है, उसके बाद में कॉटन पैड हमें इसमें डिप कर फिर बाद में हमें इस पर रखते जाना है। किस तरीके से हमने एक ही कंटेनर में दोनों अलग अलग वैरायटी के हमने आईपैड्स एक साथ स्टोर करके रख लिए बहुत ही इजीली। अब हमें इसे फ्रीजर में रखकर फ्रीज कर देना है और जब चाहे जब हम इसे यूज कर सकते हैं। ये भी आप 15 दिन तक रखकर आराम से यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे थर्ड रेमेडी की तरफ, जो की है अंडर आई क्रीम। अंडर आई क्रीम बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए आलमंड ऑयल। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पर आलमंड ऑयल ले रही हूँ। और उसके बाद में हमें लेना है 1 विटामिन ए की कैप्सूल। और उसके बाद में सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट होगा हमारा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पर आप रेडीमेड वाला ही यूज़ करिए, फ्रेश वाला मत यूज़ करिए, उससे इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें मिक्स तब तक करना है जब तक ये व्हाइट फॉर्म में ना आ जाए। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। आप इसे बाहर 15 दिन तक भी रखकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल सर्दियां ही हैं। गर्मियों में आप अगर बना रहे हैं इसे तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करके रखना पड़ेगा। अंडर आई क्रीम बिल्कुल रेडी है। इस क्रीम को आपको रोज रात में सोने से पहले अपनी फिंगर रिंग से अपनी आंखों के नीचे मसाज करना है, उसके बाद में आप आराम से सो सकते हैं। इस क्रीम के रेगुलर यूज से आपके जो भी डार्क सर्कल्स हैं वो धीरे धीरे करके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते एक और ऐसी ही अमेजिंग सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।